नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना गैस जलाए 10 मिनट में बनने वाली इन रोल की रेसिपी, जिसे आप किसी भी त्यौहार में झटपट से बना सकते हो और बहुत ही स्वादिष्ट और मुलायम बनके तैयार होंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे भुंजे हुए चना लिए हैं, 1 कप चना मैंने लिए हैं और ये चना बिना छिलका निकले हुए आते हैं मार्केट में, बहुत ही ईजी तरीके से मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो छिलका वाला चना लेकर आप उसको हाथों से मसल कर उसका छिलका साफ कर उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम मिक्सी के जार में इन्हें डाल देंगे। इन्हें हमें महीन पीस लेना है। इस चना से हम इस रोल को बनाएंगे तो बिल्कुल बेसन जैसे स्वादिष्ट रोल बनके तैयार होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्हें बढ़िया तरीके से हमें बस पीस लेना है और इस तरह से मैंने पीस कर इसका पाउडर सा बना लिया है। आप देख रहे होंगे कितना महीन मैंने इसे पीस लिया है। और अब हम इसे एक बर्तन में निकाल कर छान लेते हैं और इस तरीके से मैंने इसे छान लिया है। आप देख रहे होंगे वीडियो में बहुत ही बढ़िया ये पाउडर सा बनके तैयार हुआ है और बिल्कुल स्वादिष्ट रोल बनेंगे, एकदम मुंह में घुलने वाले। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इन्हें बिना गैस जलाए बनाए हैं। और जो ये बचा वाला पार्ट है इसे हम दोबारा से मिक्सी में डालकर पीस लेंगे। इसी मिक्सी के जार में अब जो हमने चना छाना था, थोड़े से चना निकला है तो मैं इसे दोबारा से पीसूंगी, क्योंकि मुझे चीनी पीसना है तो चीनी के साथ ही मैं इसे पीस लूंगी। 1/3 कप मैंने यहाँ पे चीनी का इस्तेमाल किया है। 1 कप चना में मैंने 1/3 कप चीनी डाल दी है और चीनी पीसने के बाद इसे भी हम छान लेंगे साथ में, अच्छे से इसे भी छान लेंगे, कोई भी क्रिस्टल हमारी मिठाई में ना आए और स्वादिष्ट मिठाई यहाँ पे बनके तैयार हो, इसलिए मैंने इसे छान लिया है। बेसन का अपना फ्लेवर होता है, आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं पर मैंने नहीं डाला है। और इसमें 1/4 कप मैंने मिल्क पाउडर डाला है मिठाई का टेस्ट देने के लिए। अगर ये आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं, अगर मावा है तो वो भी डाल सकते हैं। और अच्छे से मैंने इन सारी चीज़ों को अब मिला लिया है। अब हम इसमें देसी घी डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ इस मिठाई को बनाने के लिए। इसमें हमें बहुत ज़्यादा घी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से चलाते हुए मैंने घी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आप ड्राई कोकोनट भी डालना चाहें, मिल्क पाउडर ना हो तो ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल करके इस मिठाई को बनाया जा सकता है, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास मिल्क पाउडर नहीं है तो हम इस मिठाई को नहीं बना सकते। और अब हमने हाथों से घी को अच्छे से मिला लिया है और मैंने यहाँ पर दूध ले लिया है और दूध डालकर अब हम इसका एक टाइट डो लगा कर तैयार करेंगे। मैंने यहाँ पे ठंडा दूध नहीं लिया है, हल्का सा गुनगुना दूध है और अब हमने इसका एक टाइट डो लगा लिया है। तो हल्का सा हाथों पर तेल या घी लगाकर इसे अच्छे से चिकना कर सकते हैं। घी डाला है तो घी ही लगा लेंगे हाथों पर और एक बार फिर इसे मसल कर अच्छे से चिकना कर देंगे और आप देखेंगे कि कितनी जल्दी हम इस मिठाई को बना लेंगे। और डो को अब हमें साइड रख देना है और अब हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। हमने इसे अच्छे से चिकना कर लिया है और इसका एक छोटा पेड़ा हम बना के तैयार करेंगे। आप चाहें तो इनके रोल भी बना सकते हैं या पेड़ा बना सकते हैं, किसी भी शेप में इस मिठाई को बनाया जा सकता है। पेड़ा भी बहुत ही सुंदर और बढ़िया बनते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पेड़ा पहले बना के आपको दिखाया है। इस तरीके से मैंने पेड़ा को बना लिया है और इसके ऊपर आप पिस्ता लगा सकते हैं, बादाम लगा सकते हैं, जिससे पेड़ा देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगेंगे। और अब हमने रोल को दोबारा से मसल लिया था पेड़ा बनाने के बाद, क्योंकि वो थोड़ा सा फट रहा था। अगर फट रहा हो तो आप इसे दोबारा से मसल लीजिए। और इसी तरह से देखें मैंने पेड़ा बनाए हैं तो रोल भी हम बना ही लेते हैं, इसको साइड रखेंगे
और जहाँ पर भी हम रोल बनाएंगे वहाँ पर हम तेल लगा लेंगे, तेल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। और इसके छोटे छोटे अब हम रोल बनाना शुरू करेंगे, बस छोटी छोटी लोइयाँ लेना है और इस तरह से हमें छोटी सी रोल बना के तैयार कर लेना है। आप चाहें तो हथेली की सहायता से भी रोल को बनाया जा सकता है, यानी हाथ पर लेके थोड़ी सी लोई को दोनों हाथ से मसल कर रोल को बनाया जा सकता है, या फिर मेरे तरीके से इस तरह से रोल बनाते जाइए और साइज इनका इस तरह से नापते जाइए एक साइज के बन रहे हैं कि नहीं। और जब ये इस तरह से हम इन्हें छोड़ देंगे पंखे की हवा में तो ये अपने आप ही सूखकर बढ़िया से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, सेट हो जाएंगे रोल। तो पहले हम सारे रोल बनाकर तैयार कर लेते हैं और देखें कितने बढ़िया रोल बने हैं। मैंने इन्हें थोड़ा पंखा की हवा में छोड़ दिया था और अब मैं इनके ऊपर चांदी के वर्क को लगा देती हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आपके पास हो तो लगा दीजिए। इस तरीके से देखने में रोल सुंदर लगेंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं, और यकीन मानिए इनका टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया है। और अगर आप वर्क नहीं लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर ड्राई कोकोनट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप ड्राई कोकोनट इनके ऊपर लपेट सकते हैं जिससे हमारे रोल बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो बस सारे रोल आप इस तरह से तैयार कर सकते हो। और रोल को अभी मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि कितने बढ़िया ये सेट होते हैं, एकदम सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस रोल की रेसिपी इस त्यौहार झटपट से आप ज़रूर बनाएं और कमेंट में मुझे बताएं कि कैसी लगी हमारी आज की रेसिपी। और अगर रोल की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, और मिलेंगे हम इसी तरह की नई रेसिपी के साथ।